दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 23 जनवरी 2024 ट्यूसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.34। कल के दिन में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स मूव्ड हायर फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 104.12 and closed at 103.36. हल्का सा बुलिशनेस कल के मार्केट प्राइस सेक्शंस में देखा गया। अभी यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेशन से एक तो आपका 104 से 104.20 इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एंड अच्छा खासा एक अप मूव रैली देखा गया फ्रॉम दिसंबर 2023 from an low of 100.61 to a high of 103.70. ये जो एक अप मूव रैली देखा गया, अभी यहाँ पे एक बढ़िया सा प्राइस एक्शंस देख रहे हैं। क्या प्राइस एक्शंस? यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे डॉलर इंडेक्स अगर एक दो घंटे के लिए सस्टेन कर जाते हैं, इन सच केस डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर रूपी करेंटली एट 83.1011, साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है। अभी जो हमारा मींस प्राइस एक्शन से और भी कंसोलिडेट हो गया ऊपर की तरफ 83.20-85 के ऊपर, उस जोन पे एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और नीचे के तरफ सपोर्ट ही सपोर्ट है। 83.00 एक सपोर्ट है, देन 82.90 अनदर सपोर्ट एंड 82.80 इज द थर्ड सपोर्ट लेवल। डॉलर रुपी को अगर इन केस एप्रिशिएट होना है, इट हैज टू क्लोज बिलो 82.7580 लेवल विद स्ट्रॉन्ग प्रेशर, अदरवाइज ये जो इनविजिबल हैंड्स है जो दोनों साइड में खेल रहे हैं उनका तो एग्जिस्टेंस जारी है एंड उनके वो एक्शंस के कारण डॉलर भी और भी कंसोलिडेट नैरो डाउन हो सकता है। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2713। कल के दिन में एक स्मॉल बॉडी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन चुका है। यहाँ पे जो है दो लेवल, एक है 28 दिसंबर का हाई विच इज योर 1.283040 एंड नीचे की तरफ 2 जनवरी का लो विच इज 1.2600। ये जो दो लेवल है, ये दो लेवल बिकम्स क्रूशियल। जब तक प्राइस इस लेवल से बाहर नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पे साइडवेज चॉपी बिहेवियर इस जोन के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोमेंटम तभी होगा आइदर ये ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। जीबीपी आईएनआर करेंटली 105.58, ये भी वही आपका 28 दिसंबर का हाई विच इज योर 106.80 एंड यहाँ पे आपका 17 जनवरी का लो विच इज योर 104.7080 बिकम्स क्रूशियल। अभी इसको यहाँ पे ले लेते, जब तक प्राइस इस दो रेंज के अंदर में है तो ये साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर का करने का प्रोबेबिलिटीज हाई है। जब तक ये आइदर इस 28 दिसंबर के ऊपर हाई के ऊपर या 17 जनवरी के लो के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक ब्रेक आउट नहीं करते हैं, तब तक साइडवेज चॉपी बिहेवियर जारी रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। यूरो डॉलर अभी है 1.0883। कल के दिन में एक स्मॉल बॉडी रेड कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये वाला जो जोन है यहाँ पे प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर इसका लो कौन सा डे, 17 एंड 18 जनवरी का लो, वो क्या है 17 एंड 18 जनवरी का लो 1.0 8 4050 लेवल का जो सपोर्ट लेवल है
उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यूरो डॉलर पे हम देख सकते हैं, व्हिच मे टेक यूरो डॉलर टुवर्ड्स 1.0740 टू 1.0760 के बीच। आल्सो अगर ऊपर की तरफ जाता है ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है दैट मे एक्ट एज ए रेजिस्टेंस व्हिच मे गिव सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन यूरो डॉलर यूरो आएगा। यहाँ पर एक कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल रेड कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है वो ये वाला जोन पे। एक बार इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करते हैं तो यूरो आयनर में प्रोसीड टूवर्ड्स 89.60 89.70 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ऊपर की तरफ 91.1020 लेवल में अगर इन केस मिलते हैं प्राइस तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने का मींस वी मे लुक फॉर सम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। डॉलर येन 148.10 ये कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था, स्मॉल बॉडी नेगेटिव कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड व्हिच रिड्यूसेस द नेगेटिविटी ऑफ द प्राइस। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पिछले तीन दिनों में आपका 18 जनवरी 19 जनवरी एंड कल के दिन में ये तीन दिन प्राइस नैरो रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। तो we need to look for some selling opportunities as far as dollar yen is concerned. Uske liye price actions hame chahiye. Also yahan pe ek trend line support hum draw kar sakte hain jis trend line support ke niche agar close dete hain in such a case price mein ek selling opportunity hame mil sakti hai। येन INR currently trading at 50.5610। यहाँ पर भी तीन दिन से small body candle form हो रहे हैं, which shows that the price is trying to contract। इस contractions के बाद price एक means momentum के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0.59 level से ये point 56 लेवल तक तीन बिगी का एक डाउन मूव के बाद यहाँ पे अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो यहाँ पे हमें एक W प्राइस एक्शंस चाहिए, यानी यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए देन रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद उस वहाँ पे एक नेक फॉर्म होगा, उस नेक लाइन के हाई के ऊपर एक W हम देख सकते हैं। इन सच ए केस वी मे गेट एन गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अभी आते हैं हमारा डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी कल के दिन में एक बाउंस बैक किया फ्रॉम द इंट्राडे लो ऑफ योर 1.3415 लेवल से एंड क्लोज्ड एट 1.3478 आफ्टर हिटिंग एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.3483। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे हम यहाँ पर भी हमें एक नॉट W बट एम पैटर्न का है यानी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है। ये जो एक अप मूव हमने देखे एक स्ट्रेट अप मूव, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, यहाँ पे हमें स्टेप बैक एम चाहिए। एम के लिए यहाँ पे एक हमें कल के दिन में एक ग्रीन कैंडल मिला है, उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल हमारा टारगेट हो सकता है स्मॉल दैट इज 1.334050 का, उसके बाद उस जोन के नीचे इस जोन के नीचे अगर क्लोज देखते हैं देन डॉलर कैंडी में मूव डाउन टूवर्ड्स 1.3200। सो ये जो कल का ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बन रहे हैं फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऑसी डॉलर में करेंटली ट्रेडिंग 8.6580। यहाँ पे एक शार्प डाउन मूव देखा गया 0.6876 टू 0.36522। यहाँ पे आपका 3.5 बिगी का एक डाउन मूव देखा गया। अभी बेसिकली हियर वी आर लुकिंग फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी? W पैटर्न्स। W पैटर्न्स में आप देखोगे
बेस आउट करने के बाद ये दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद रेड कैंडल, देन ये रेड कैंडल के बाद हमारा हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर। कल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक अच्छा सा बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है विद इन 1:2 रेशियो का या 1:3 रेशियो का बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस बिलो योर 17th and 18th January लो फॉर ए टारगेट 1:2 से 1:3। यहाँ पे अभी ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमारा बाइंग ट्रिगर हो सकता है। अभी डॉलर सीएनएच 7.1890 पिछले तीन दिन में बैक टू बैक मींस इंक्लूडिंग टुडे मॉर्निंग चाइनीज ट्रेडिंग आवर्स में भी अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक तीन रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी हमें अगर सेलिंग देखना है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, देन ग्रीन कैंडल के लो के नीचे सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक एम पैटर्न लाइक दिस। अगर इसको ऊपर जाना है तो 17 जनवरी के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। इन सच ए केस आपका डॉलर सी एन एच में मूव टूअर्ड 7.2500 एज द फर्स्ट टारगेट, देन 7.2900 एज द सेकेंड टारगेट। ब्रेंट क्रूड करेंटली ट्रेड फ्यूचर करेंटली ट्रेडिंग एट 80.00। कल के दिन में जो प्राइस एक्शन था बहुत ही जबरदस्त तीन बार हुआ है, लेकिन लोकेशन बराबर नहीं है। ये लोकेशन अगर यहाँ पे होता ये वाला, ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सा एक आपका प्राइस रिवर्सल। सो ये जो पिन बार इसका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ डाउन ट्रेंड अगर मिलता है तो इट एक्ट एज ए रिवर्सल सिग्नल। यहाँ पे जो एक पिन बार बनाया हुआ है ये पिन बार हाफ वे में है, सो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। हल्का सा बाई बैक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे ये वाला कैंडल का लो दैट मींस 73.00 एक्ट्स एज ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल, और ये आपका 27 दिसंबर का हाई व्हिच इज योर 81.80 से 82.00 का एक रेंज है, इसका दिस बिकम्स ए क्रूशियल रेजिस्टेंस। प्राइस जब तक इस दोनों रेंज के अंदर में है चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है, एंड ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफी कभी एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, देन अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज, देन प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप और प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। तो इस टाइप का काफी एक्टिविटीज हो रहे हैं चौपीनेस बिकॉज ऑफ दिस प्राइस रेंज। अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो फंडामेंटली क्या हो रहा है, आपका रेड सी के अंडर में काफी इश्यूज है आपका, एंड ऑल्सो ईरान इराक एंड मिडल ईस्ट के ऑल दिस कंट्रीज के बीच में काफी टसल्स है व्हिच में मींस पुट प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस। ये तो हो गया फंडामेंटल एंड टेक्निकल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। जब तक इसके लो के नीचे या इसके हाई के ऊपर नहीं ट्रेड करते हैं तो चौपी बिहेवियर रहेगा। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद एक जबरदस्त मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं US 10 ईयर ट्रेजरी करंटली 4.099। कल के दिन में एक रेड कैंडल बनाया हुआ है बट स्मॉल बॉडी विद प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड, सो यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, देन ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें प्राइस एक्शंस देखने को मिलेगा। US 2 ईयर ट्रेजरी 4.38 कल के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। डोजी कैंडल मींस पॉज, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। ऊपर के तरफ इमीडिएटली 4.45 4.46 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।